यूपी के मेरठ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि आखिर कब बाज आएगा पाकिस्तान। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल एटीएस मेरठ ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी भारतीय दूतावास मॉस्को रूस में नियुक्त कर्मचारी है, जो मूल रूप से जनपद हापुड़ के गांव श्यामपुर का निवासी है। यूपी एटीएस के मुताबिक आरोपी सत्येंद्र सिवाल की पाकिस्तान की पूजा नाम की एक महिला से एक साल पहले फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई। बातचीत के दौरान दोनों में प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी। इसी बीच सत्येंद्र पूजा की पूरी तरह गिरफ्त में आने के बाद पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी करने लगा। पाकिस्तानी पूजा ने सत्येंद्र से मिलने और गिफ्ट का लालच देकर पहले सत्येंद्र सिवाल से अपने विभाग से जुड़ी जानकारी हासिल करना शुरू किया। इसके बाद उससे दूतावास में आने वाली भारतीय सेना में जुड़ी जानकारियां मंगानी शुरू कर दी। हनी ट्रैप में फंसकर सत्येंद्र उसको कई अहम जानकारियां देता रहा। जानकारी के मुताबिक सत्येंद्र के मोबाइल फोन्स को उससे खुलवाकर देखा गया तो मोबाइल की गैलरी में कई गोपनीय और संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। भारतीय सेना, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के अधिकारियों की विभिन्न तैनाती, जिसमें उनकी सेवा संख्या भी शामिल है। सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए आयोजित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों और सम्मेलनों से संबंधित विवरण भी शामिल हैं। आपको बता दें कि सशस्त्र वाहन, टैंक, पनडुब्बी, विमान आदि जैसे विभिन्न रक्षा उपकरणों के रखरखाव का विवरण है। निविदा रखने वाली निजी फर्मों का विवरण, रक्षा उपकरणों का रखरखाव और मरम्मत भी शामिल है। रक्षा खरीद से संबंधित विभिन्न उपकरणों जैसे सुखोई 30, MKI और MiG-29, EKM पनडुब्बी आदि का तकनीकी विवरण और अन्य मोबाइल से शॉर्ट रेंज मिसाइल प्रणाली से संबंधित दस्तावेज हैं। मोबाइल में और भी कई डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं। इस मामले में जांच लगातार जारी है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूट्यूब।